उत्तर प्रदेश के अधिकारी अपने अजब गजब कारनामों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। आज हम आपको विकास विभाग के ऐसे अधिकारी का कारनामा दिखाएंगे जिसे देखकर यकीनन आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर किस मंशा के तहत योगी सरकार के इन अफसरों ने ये कारनामा कर दिखाया है। बस्ती जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्लॉक है कुदरहा। इस ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले गांव गौरा धूना में बनाए गए सामुदायिक शौचालय की तस्वीरें आपको अचरज में डाल देंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह की सोच के साथ इस सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है वाकई में गजब का है। क्या कहने हैं उस इंजीनियर और प्रधान के जिन्होंने एक ही टॉयलेट रूम के अंदर दो दो सीट बैठाकर ये कारनामा कर दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस मंशा के तहत जिम्मेदारों ने एक टॉयलेट के अंदर दो सीट लगा दी। क्या अधिकारी चाहते हैं कि दो लोग एक साथ शौच करने जाएं और उनकी निजता का हनन हो भी सकता है क्योंकि कमीशन की धुंध में अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। गौरा धुंधा गांव में सेक्रेटरी और प्रधान ने 10 लाख की लागत से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया लेकिन आज तक इस सामुदायिक शौचालय का कोई भी व्यक्ति प्रयोग नहीं कर पाया। इसके पीछे कारण यह है कि शौचालय बनाए तो गए मगर उसके दरवाजे नहीं लगाए गए और एक ही कमरे में दो दो सीट बैठा दी गई। तो ऐसा कोई गांव में नहीं है जो लोक लाज को ताक पर रखकर शौचालय का प्रयोग कर सके। इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि दोषी सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दी गई है और सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द सामुदायिक शौचालय को ठीक करें। इसके अलावा रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ उनके स्तर से कार्रवाई भी की जाएगी। डीपीआरओ ने खुद कहा कि वे खुद मौके पर जांच करने गई थी और सामुदायिक शौचालय की हालत देखकर अचरज में पड़ गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।